मिस कर रहा हूँ मेरे मम्मी पापा को। चल फाजिल भाई, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतने धमाकेदार परफॉर्मेंस किए हैं, तो आपके लिए इतना तो बनता है, क्योंकि आपके माता पिता और आपके सारे भाई बहन एक साथ सारी पूरी परिवार आए हैं आपसे मिलने के लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अरे वाह, ये बिना बात फाजिल बकरा भी आजा, बकरा भी आजा। क्या बात है, क्या बात है। वेलकम वेलकम। अरे बकरा भी आया, दसवा वाला। अच्छा अभी इंट्रोडक्शन ही देंगे फाजिल की, कौन कौन है लाइन में बताइए ना एक बार। हाँ, नाम याद है? जिया फातिमा, जिया फातिमा, शान, शान, मसरत, इशरत, पास पे जाके सबके, इशरत, कुलशान, मासुमा, साहिल भाई, अम्मी पापा। अरे वाह वाह वाह। लेकिन बीच में तुमने एक बात कही कि मैं अपने पिताजी को कहीं ले जाना चाहता हूँ, वो बात भी हम जानना जरूर चाहेंगे। मैं मेरे मम्मी पापा को एक बार हज पे लेके जाना चाहता हूँ, ये मेरे दिल से तमन्ना है। क्या बात है। और ये अच्छा परफॉर्मेंस इसका सिर्फ इसलिए है कि जब ये इसका यहाँ शूट होता है तो उस दिन इसकी मम्मी कुछ भी खाती पीती नहीं। जब तक इसका पूरा शूट का फोन नहीं आ जाता है कि फैजल का बहुत अच्छा हुआ, तब ये कुछ खाती पीती है। क्या बात है। तो ये उसका नतीजा है। ये माँ होती है बस। जिनके लिए आज मोहम्मद फाजिल ने परफॉर्मेंस दी है, यू नो उनकी अम्मी, उनसे भी बात करना चाहूंगा। कैसा लगा आपको कि आपके बेटे ने ये गाना आपके लिए गाया है, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए गाया, कैसा लगा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे ने मेरे लिए ये गाना गाया, मुझे बहुत खुशी हुई और इस मंच पे आने की भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे उम्मीद है जो ये बात बोलता है, ये हज वाली बात बोलता है, ये पूरी करेगा जरूर। क्या बात है।